नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट रिजल्ट 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, सीटेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है और मात्र 2 सेकंड में आप लोग अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रख दें। देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी। पेपर की डेट आ गई है दोस्तों। अगर अभी आप लोग पढ़ना शुरू नहीं किए तो भैया पेपर की डेट ही है। आवेदन करने के लिए जो तारीख है वो अलग है, ये परीक्षा की तारीख है कि 7 मार्च को आपको पेपर देना है। देखिए, आवेदन जो शुरू होगा 10 तारीख से लेकर 17 फरवरी तक, परीक्षा 7 तारीख से लेकर 17 मार्च तक। प्रमाण पत्र आज से अपलोड कर पाएंगे, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। अब सभी 75 जिलों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। तिथि है 217 और 18 फरवरी। केंद्र 2377, परीक्षार्थी हैं 48 लाख। 10 तारीख से डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग अपना एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, संदीप सिंह बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक और बड़ी खबर, बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, भर्ती का प्रस्ताव नहीं। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अपडेट है। फिलहाल यूपी में अभी कोई भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। तो भैया जो बिहार में वैकेंसी आ रही है वहां पर आप लोग जाकर अपनी एक सीट कंफर्म करिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग को अपना सीटेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग अदर स्टेट में जाते हैं, कोई भी बच्चा यूपी से, दिल्ली से, कहीं से भी बिहार में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको सीटेट में पास होने के लिए मिनिमम सभी बच्चों के लिए, हम आपको एकदम क्लियर कर दें, चाहे वो बच्चा जनरल कैटेगरी से हो या किसी आरक्षित वर्ग से, उसको 90 नंबर चाहिए ही होगा। ठीक है, 90 से कम में आपका काम नहीं बन पाएगा, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। उसके बाद दोस्तों देखेंगे और कुछ बातें यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं होगा। इन कक्षाओं के लिए भर्ती आखिरी तारीख पर ये विशेष ही करेंगे आवेदन। तो दोस्तों अभी हम आपके सामने रखेंगे, फिलहाल कोई नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान यहां पर नहीं होना है। 90,000 होंगे पद, भाषा के प्रश्न आसान होंगे, यहां पर इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। बंपर बहाली होगी। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7 से लेकर 17 मार्च के बीच परीक्षा होनी है। ठीक है, बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जिले में 1 से लेकर 12वीं के लिए 3,793 सीटें हैं। ठीक है, मनाही के बावजूद आंदोलन पर अड़ा नियोजित शिक्षक संघ, सक्षमता परीक्षा के विरोध में 13 को धरना प्रदर्शन है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद देखिए, कार्यालय परिचारी पद के अभ्यर्थियों का शुल्क माफ किया गया। भर्ती परीक्षा 3 से 3 लाख, ठीक है, 46,777 आवेदकों को इसका लाभ होगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से आवेदन होने। शिक्षक संघ ने उप मुख्यमंत्री को सौंपा है ज्ञापन। देखते हैं पूरी खबर अभी। तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोग को अपना सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड कैसे करना है, उसके बाद हम आगे की पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है और देखिए सर्च क्या करना है, DELEDRESULT.COM। तो जितने बच्चों ने DELED कर रखा है उन सभी बच्चों को तो वैसे पता है DELEDRESULT.COM वेबसाइट, और जिन बच्चों ने नहीं किया उनको भी यहाँ ध्यान देना है। तो हमें DELEDRESULT 2024 इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीटेट आसन की और सीटेट रिजल्ट का लिंक मिलेगा, और DELED से अगर आप संबंधित हो भैया आपको आराम से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हमें अभी सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड करना, तो सिंपल था, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। कुछ और बातें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आज है 7 फरवरी 2024, आपको यहाँ पर डेट और सब कुछ मेंशन रहेगा। देखिए जो रिजल्ट का लिंक है, ठीक है ना, वो अभी एक्टिवेट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, एक बात और आपको बताएंगे। देखिए कुछ बच्चे जैसे अपना फाइंड अप्लीकेशन नंबर या फॉरगेट पासवर्ड, जैसे कुछ बच्चे अपना अप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं या जो भी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा जहाँ पर आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर बताएंगे। जैसे फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर, आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर, ठीक है, तो जब आप लोग अपना देखिए अभी सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा आपका रोल नंबर। बस रोल नंबर की सहायता से अपना आप, ठीक है, जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और आप यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन ये दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, जिसे ज़रूरत हो
जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था तो वहां पर आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांग रहा था, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अभी जैसे ही रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब रिजल्ट का जो लिंक है वो किसी भी समय एक्टिवेट हो सकता है, एकदम तैयार रहिए। सीटेट की जो आंसर की है पेपर वन पेपर टू फाइनल यही पर आएगी और बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन की तारीख आ चुकी है तो तैयार रहिए। चलिए बाकी वीडियो को हम कंप्लीट देखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने सीटेट का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है उसका पूरा प्रोसेस देख लिया होगा। चलिए अब भर्ती की बात कर लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी है। इस चरण में करीब 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी, इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी होनी है। परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। इस बार भी प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। होली के पहले ही रिजल्ट आने की संभावना भी है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिक्षा विभाग से परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है, रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि रिक्तियां अच्छी खासी की संख्या में होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा को पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्त ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर 1 से 5 प्राथमिक, 6 से 8 मध्य, 9वीं से 10वीं माध्यमिक और 11वीं से 12वीं उच्च माध्यमिक कक्षा तक के शिक्षकों की रिक्तियां निकाली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, बाकी जो भी अपडेट्स है आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है। अध्यक्ष के मुताबिक इस बार शिक्षा विभाग और एससी एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी, ठीक है। अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्त ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अपेयरिंग छात्रों को लेकर क्या खबर है, बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे कि सर इसको लेकर अपडेट बताइएगा, फाइनल अपडेट क्या है, क्या अपेयरिंग छात्रों को मौका मिल पाएगा कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर दिया गया है, आवेदन वैसे ही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो पहले से एसटेट सीटेट सीटेट पास है, नए उम्मीदवारों को किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी दोस्तों अब रिजल्ट आ जाए उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। उनके लिए चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी, 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। अब दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन अब आपको वीडियो में बता रहे हैं, अगर अभी आप लोग का सीटेट का रिजल्ट इस बार जो आपने 21 जनवरी को पेपर दिया है, अगर इसका रिजल्ट नहीं आता आवेदन करने से पहले आवेदन करने के दौरान, तो आप लोग आवेदन से बाहर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 तारीख से लेकर 17 फरवरी तक ही आवेदन का मौका है, मतलब आपको हर हालत में 17 तारीख तक हमारा रिजल्ट सीटेट का आ जाना चाहिए। अगर इन केस नहीं रिजल्ट आ पाता तो आप लोग इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और देखिए बच्चों लोग पूरी कोशिश कर देंगे, ठीक है ना, सोशल मीडिया पर सीबीएसई को ट्विटर हर जगह से टैग कर बता दिया जाएगा कि भैया एक बड़ी भर्ती आ रही है, रिजल्ट किसी भी हाल में जारी किया जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए आपके मन में एक और सवाल था कि सर जो पेपर आउट की बात हो रही थी, पेपर रद्द होगा नहीं होगा, देखिए इन सब चक्करों में अभी नहीं पड़ना है। अगर सीटेट का पेपर किसी भी वजह से कैंसिल या रद्द हो जाएगा तो जितने बच्चे इस बार आवेदन किए थे वो तो पहली बात आवेदन से ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जैसे ही दोस्तों आएगा वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसको भी लेकर ध्यान दीजिएगा। बाकी सीटेट 21 जनवरी 2024 रिजल्ट को लेकर जो भी बड़ी खुशखबरी आएगी वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।